रही है, मतलब फोर व्हीलर वाला फीचर्स आ चुका है टू व्हीलर में, वो भी KTM दे रही है 390 में। और की से आपको समझ आ ही गया होगा गाइस। तो गाइस हम खड़े हैं KTM शोरूम में, इसकी फ्यूल टैंक की बात करें तो 15 लीटर DRL के साथ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब भाई, होप आप सब अच्छे हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्यूक 390 के पास, एंड गाइस मैं आ चुका हूँ धनसार KTM शोरूम और बात करेंगे आज ड्यूक 390 PS7 न्यू जनरेशन। गाइस काफ़ी कमेंट आ रहा था कि PS7 न्यू जनरेशन KTM ड्यूक ड्यूक किस लेवल तक गई है, आज इसकी कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे और क्या क्या चेंजेस होके आ चुका है PS7 में, तो वो सारा कुछ इस वीडियो के एंड तक बताएंगे। एंड माइलेज टेस्ट भी आपको बता देंगे कि एवरेज कितना दे रही है गाड़ी और इसका एग्जॉस्ट जो भी शोरूम चेंज किए कैसा आवाज़ आ रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर KTM शोरूम आ सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही बेस्ट ड्यूक 390 आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड गाइस मैं इसकी कुछ बेसिक जानकारी बताने वाला हूँ, अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए इसकी जानकारी की स्टार्ट करते हैं। प्यारी सी हेडलाइट्स गाइस, इसकी हेडलाइट के ठीक साइड में आपको लगा हुआ है DRL जो वाइट कलर की आपको मिल जाएगी। गाइस काफ़ी ऑसम लुक आ रहा है DRL, और पुराने वाले ड्यूक को देखा जाए तो उसकी हेडलाइट्स में और इसके हेडलाइट्स में काफ़ी कुछ चेंज हो चुकी है। अब गाइज आप देख सकते हो इसका साइड व्यू, ड्यूक 390 जो लिख के आ रही थी पहले टंकी में, अब उसी को कर दिया गया है। टंकी के साथ साइड ये फाइबर बॉडी मिल जाएगा गाइज, इसमें लिखा हुआ है ड्यूक 390, जो काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है एंड मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है गाइज। तो गाइज हम चलते हैं नीचे की तरफ, और नीचे आपको मिल जाएगा एपेक्स का एक हैवी शॉकर, पुराने वाले ड्यूक से थोड़ा सा चेंज अप हुआ है। एंड साइड में आपको मिल जाता है एक कर्व सा छोटा सा प्यारा सा मडगार्ड जो बिल्कुल फाइबर का है गाइस। एंड इसमें आप एक मिल जाता है आपको एक रियर व्यू। एंड गाइस आपको मिल जाता है दोनों चक्कों में ABS, डुअल ABS के साथ आ चुका है। गाइस अगर इसका डिस्प्ले की बात करें तो ये जो 390 में आपको मिल रहा था RC 390 में, सेम आपको वही सेम इसमें प्रोवाइड की गई है। एंड गाइस अगर हम टायर की इसकी बात करें तो इसका टायर नंबर आपको मिल जाएगा 110/70/17। एंड गाइज अगर हम पीछे की तरफ आ जाते हैं तो पीछे का टायर आपको काफ़ी ब्राउड दिखेगा गाइज, ये आप देख सकते हो। एंड हाई स्पीड पर ये काफ़ी अच्छा कंट्रोल आने वाला है मेरे हिसाब से। एंड इसमें भी आपको वही सेम मिल जाता है डुअल ABS डिस्क, काफ़ी अच्छा ब्रेक सिस्टम होने वाला है। और इसके टायर की बात करें तो गाइज अगर इस टायर की बात करें तो 150/60/70 अप्रोक्स ये 17 नंबर इंच आपको व्हील रिम मिल जाती है, काफ़ी ब्राउड है। एंड काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है इसके अलाउबल्स में भी, वो भी हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आइए हम बात करते हैं इसकी इंजन की। तो गाइज ये है न्यू जनरेशन का BS6। तो गाइज इसका टॉर्क स्पीड आपको मिल जाएगा 46.5। तो गाइज ये है इसका रियर व्यू, ओ माय गॉड, मतलब क्या ही लग रही है गाइज। अभी हम इसका एक ब्रेक सिस्टम लगा के देखते हैं। तो गाइज कैसा लगा आपको इसका रियर व्यू, मेरे को कमेंट करें। अब आइए इसका इंडिकेटर, तो ये इसका इंडिकेटर मतलब सेम टू सेम वो जो पुरानी वाले ड्यूक में आती थी वो भी वैसे ही है, न्यू BS7 जनरेशन वो भी इंडिकेटर वही सेम है, हालांकि इसका इंडिकेटर में कुछ भी चेंजअप नहीं हुआ है। सो गाइज देख सकते हो ड्यूक ने काफ़ी चेंज कर गाड़ी को चेंज करते के साथ साथ उसकी की को भी चेंज कर दिया है। एंड गाइज इसका की मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है पहले वाले से, इस साइड में आप देख सकते हो, अगर ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, साइड का व्यू थोड़ा सा अलग है, बाकी सब कुछ चेंज है। तो आइए गाड़ी की डिस्प्ले को स्टार्ट करते हैं। तो ये है प्यारे से डिस्प्ले, ओ माय गॉड। तो गाइज देखिए ये बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिप हाई स्पीड बैटरी। एंड गाइज इसमें आपको मिल जाता है साइड स्टैंड एंड टाइमिंग माइलेज न्यूट्रल एंड कुछ हाई स्पीड की ट्रिप्स मिल जाएगी जिसको आप कंट्रोल करोगे कुछ इस बटन से। एंड गाइज इसमें आपको मिल जाता है हजार्ड मोड, एंड इस ट्रिप के माध्यम से जितनी भी ट्रिप काम करेगी सारे कुछ इस बटन से काम करने वाले हैं। एंड इंडिकेटर मिल जाते हैं, साथ में एक हॉर्न मिल जाएगा, हॉर्न काफ़ी बेसिक है। एंड गाइज ये हो गया इसका सेल्फ, और ये पावर स्टार्टिंग के लिए दिया हुआ है। अगर बात करें हम इसकी मिरर, तो मिरर आपको सीधा वही सेम टू सेम लगा के दिया गया है। गाइज अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 370,000 के अप्रॉक्स आ जाती है ऑन रोड,
एंड फिलहाल तो अभी धनसार KTM शोरूम में इसकी ये प्राइस है, बाकी अदर स्टेट का मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। आइए इसके सीट की बात करते हैं। अगर सीट की बात करूँ तो मैं गाइज इसमें दोनों साइड लगा हुआ है, साइड कल्प देखा जाए तो ये बैठने में बहुत कंफर्टेबल है। मैं जस्ट बैठ के देखा हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल कुशिंग टाइप सीट डाला हुआ है। एंड रियर व्यू देखा जाए तो रियर का भी बहुत अच्छा है। अगर आप अगर ध्यान से देखिए तो ये काफ़ी ब्राउड है पुराने वाले से। ये साइड में आपको कर्व मिल जाता है, पीछे कैरियर मिल जाती है, प्यारा सा लुक आ रहा है जो पुराने वाले से थोड़ा डिफ़िकल्ट है और अलग भी है। अगर ध्यान से देखिए तो ये इसका थोड़ा सा ग्राउंड लेवल थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। अगर वो थोड़ा सा ऊंचा होता तो हम मतलब मे बी राइडिंग वगैरह में दिक्कत ना हो। गाइज इसके हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं आपको। पुराने वाले ड्यूक में आपको कुछ फाइबर्स दिखते थे साइड में कॉल्स, तो आइए इसको हम पुराना चीज़ आपको ताज़ा कर देते हैं। तो गाइज देखिए अभी मैं पुराने वाले ड्यूक के जस्ट बगल में हूँ और ये पुराना ड्यूक है, इसमें आपको कॉल जो दिख रहा है साइड का कॉल ये देख सकते हो। अब आप न्यू जनरेशन BS7 में देखिए, अब गाइज आप देख सकते हो यहाँ का पूरा ही कॉयल बाहर हो चुका है गाइज। एंड अभी मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। एंड गाइज इसकी साड़ी गार्ड भी काफ़ी प्यारी है, ये आप देख सकते हो। इसका फुटरेस्ट बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजअप नहीं हुआ है। अगर हम गियर शिफ्टिंग की तरफ चलते हैं तो गियर लीवर भी आपको वही पुराना वाला मिला। सस्पेंशन में एडजस्टिंग के लिए दिया गया है, दोनों साइड है, माइनस प्लस दोनों साइड है, तो ये मुझे डिफरेंट लगा, अच्छा लगा। सेंटर को हटाकर साइड में कर दिया गया है, वो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देख लो गाइज, पहले सेंटर में हुआ करता था बट अब साइड राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा चेंजअप हुआ है। एंड इसकी साइड की जो पैनल है, मतलब ये आगे का कॉयल है, बहुत ही TPFC बोलते हैं गाइज इसको, 390 लुक्स इसमें और भी ज़्यादा बेहतरीन कर दी गई है। हॉर्न इसमें नॉर्मल सा है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो गाइज ये इसका हॉर्न है, एंड गाइज कमी ही मेरी गाइज मैं आपको कुछ नया दिखाता हूँ। देखो की अभी मैंने बिल्कुल लॉक कर दिया है, हैंडल बिल्कुल अभी लॉक है और इसके इंडिकेटर्स दोनों चल रही है, मतलब फोर व्हीलर वाला फीचर्स आ चुका है टू व्हीलर में, वो भी KTM दे रही है 390 में। तो ये मुझे थोड़ा हटके और अलग लगा और वो गाड़ी से डिफरेंट लगा, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी में जैसे आप इंजन बंद करोगे इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाएंगे, बट इसमें हजार्ड मोड के साथ जो कॉम्बिनेशन दिया गया है गाइस बहुत ही बेहतरीन है। अब जब तक हम इसको वापस से की नहीं लगाएंगे, हजार्ड ऑफ नहीं करेंगे, ये जलते रहेगी कंटिन्यू। तो ये मुझे कुछ नया और कुछ डिफरेंट दिखा KTM, कुछ डिफरेंट दिखा KTM 390 में। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।